Assalamualaikum guys, I'm Saadam Jed and you are watching Innovative Bit Solution. So guys, हम कहाँ तक पहुँचे थे? I know काफ़ी gap आ गया. Actually मैं थोड़ा सा busy था तो इस वजह से videos नहीं बना सका. आपके messages वगैरह आ रहे थे तो उनका मैं reply भी करता रहा हूँ, लेकिन finally time निकाल के फिर से video series start करने जा रहा हूँ. और हम कहाँ तक पहुँच गए थे? हमारी लास्ट वीडियो थी क्रिएटर स्टूडियो के बारे में. हमने क्या कुछ पढ़ लिया वो आप सब जानते हैं, अगर नहीं जानते तो जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, ठीक है. और अब इस वीडियो में हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? इस वीडियो में पढ़ने जा रहे हैं मेटा बिजनेस सूट. जी हाँ, वही बिजनेस सूट जहाँ पर हमारा क्रिएटर स्टूडियो अनकरीब शिफ्ट होने वाला है. वही बिजनेस सूट जहाँ से हम फेसबुक पेज की हर चीज़ वहाँ पे एक्सेस कर सकते हैं, जहाँ पे हम अपनी एड्स वगैरह की सारी जो सेटिंग वगैरह होती है वो भी कर सकते हैं, ठीक है. अगर हम ये सब यहाँ से कर सकते हैं तो हम क्रिएटर स्टूडियो क्यों पढ़ा, या फिर हमने वो बूस्ट वाला क्यों देखा जब हमने पेड एडवर्टाइजमेंट के बारे में या पेड मार्केटिंग के बारे में पढ़ा था? तो एक्चुअली वो था, लेकिन वो ईजी वे है. थोड़ा सा वो ईजी वे है कि लाइक वो बिगनर्स के लिए है. जितनी भी लाइक मैं आपसे बात करूँ तो प्रोफेशनल्स हैं बेसिकली, वो सारे के सारे मेटा बिजनेस सूट यूज़ करते हैं. वहाँ क्यों वो क्यों यूज़ करते हैं? क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे और भी ऑप्शन हैं. यहाँ पे ई कॉमर्स के वाले से अलग से आपके पास एक टूल मौजूद है. यहाँ पे आप अपनी शॉप अलॉट करवा सकते हैं, ठीक है. तो वो सब कुछ हम देखेंगे और देखेंगे इसी वीडियो में, ठीक है. तो आपने जाना कहीं नहीं है, हमारे साथ रहें. और अभी हम वीडियो स्टार्ट करने जा रहे हैं. तो सबसे पहले वीडियो के बारे में मैं आपको बता दूंगी. वीडियो शायद ही थोड़ी सी लंबी हो जाए, एज यूजुअल वीडियो हमारी लंबी ही हो जाती है. एक्चुअली मैं डिटेल में हर चीज़ बताना चाह रहा होता हूँ. मैं नहीं चाहता कि मैं एक वीडियो के पार्ट्स बना के यहाँ पे डाल दूँ, क्योंकि अगर मैं वीडियो के पार्ट्स बना के डालूंगा तो वो मे बी आपको वो जो फ्लो होता है ना एक उसमें ना रहे, मतलब वो जो बात हम कर रहे होते हैं वो फ्लो सारा कुछ एंड हो जाता है, ठीक है. तो मैं इसलिए कोशिश करता हूँ कि आपको शॉर्ट में और जितना मुझसे कम हो सके मैं उतना कम लेकिन डिटेल्स के साथ आपको समझा सकूं, ठीक है. तो मे बी ये वीडियो भी हमारी हाफ आवर तक की चली जाए, ठीक है. तो टाइम वेस्ट नहीं करते, काम स्टार्ट करते हैं. लेट्स मूव. सो गाइस, मैं ओपन करने जा रहा हूँ हमारे गूगल क्रोम बाबा, ठीक है. आई होप आपको ये विजिबल होगा, ठीक है. और यहाँ पे सिंपल ये मेरी आईडी लॉगिन है, ठीक है. इसके बाद मैं अपना मेटा बिजनेस सूट के ऊपर आता हूँ. जस्ट मैंने गूगल के ऊपर यही लिखा था कि मेटा बिजनेस सूट, ठीक है. और फर्स्ट वन मैंने आके यहाँ पे ओपन कर लिया. ओके, अब फर्स्ट वन मैंने यहाँ पे आके ओपन किया तो यहाँ पे मेरे पास क्या चीज़ सामने, मेरे पास स्टार्ट नाउ का ऑप्शन आ रहा है एंड मैंने वो क्लिक किया और इसके बाद मेरा मेटा बिजनेस सूट जो है वो लॉगिन होना स्टार्ट हो गया है, ठीक है. अब आप ये देखें हमारे पास क्या चीज़ सामने आ रही है. हमारे पास सिंपल जो हम एड्स लगाते हैं, जो हम कंपेन्स लगाते हैं, वो सारा का सारा यहाँ पे हमारे पास हर चीज़ जो हमारी कंपेन्स रन हो रही होंगी इस पर्टिकुलर आईडी पे वो यहाँ पे शो हो रही हैं, ठीक है. यहाँ से आप आके अपनी आईडी वगैरह चेंज वगैरह भी कर सकते हैं कि अगर आप कहीं और लॉगिन वगैरह हुए हैं और कोई इस किस्म की कोई भी चीज़ है तो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं, ठीक है. हम चूँकि देख रहे हैं इसको लर्निंग प्रोसेस के हवाले से तो मैं इसका 1-to-1 एक से एक जितने भी टूल्स हैं सबको बारी बारी यहाँ पे मैं डिस्कस करूँगा और आपको बताता हूँ, ठीक है. तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे जो ओपन है वो है एड मैनेजर. ओके, अब इस एड मैनेजर में क्या है, यहाँ पे आप अपनी कंपेन स्टार्ट कर सकते हैं, यहाँ पे अपनी कंपेन डुप्लीकेट कर सकते हैं, अपनी कंपेन को एडिट भी कर सकते हैं, यहाँ पे कुछ फिल्टर्स वगैरह भी, टेस्ट वगैरह भी, डिफरेंट किस्म की चीज़ें यहाँ पे मौजूद हैं, ठीक है. तो जब आपके पास यहाँ पे बहुत सारी कंपेन रन हो जाएंगी तो वो यहाँ पे 1-by-1 आ रही होंगी और उसका ऑफ है या ऑन है यहाँ से पता चल रहा है. इसी उसमें इस जो हमारा कॉलम है इसके अंदर आएगी कंपेन कौन सी है वो इस कॉलम में, डिलीवरी बिड स्ट्रेटजी बजट एट्रीब्यूट एट्रीब्यूशन सेटिंग जो है उसकी रिजल्ट्स वगैरह जो भी होंगे रीच होगी सारी की सारी वो यहाँ पे आपके सामने आ रही होगी, ठीक है. उसके साथ ही आपके बहुत सारे मजीद ऑप्शंस हैं, इंप्रेशंस कितने पड़ गए, कॉस्ट पर रिजल्ट, अमाउंट पर स्पेंड और ये एड वगैरह सारा कुछ, ये सारा कुछ आपको यहाँ पे शो हो रहा होगा, ठीक है. तो एक छोटी सी अगर मैं कंपेन बनाऊँ, मैं जस्ट क्रिएट करता हूँ,
वो मुझे कह रहा है हाँ भाई आपने क्रिएट अकाउंट इन्फो नीडेड गो टू अकाउंट ओवरव्यू और ये सारा कुछ ठीक है, तो आपने बनानी किस लिए, अवेयरनेस के लिए या ट्रैफिक के लिए? मैं कहता हूँ ट्रैफिक के लिए बनानी है और सिंपल जो है मैं आके इंगेजमेंट्स के लिए बना सकता हूँ, लीड्स के लिए बना सकता हूँ, ऐप प्रमोशन के लिए बना सकता हूँ, सेल्स के लिए बना सकता हूँ, ठीक है? तो आप जिस तरह भी चाहें, मैं फिलहाल अभी ट्रैफिक के ऊपर आ रहा हूँ, ठीक है? ट्रैफिक में क्या है वो मुझे बता रहा है कि सेंड पीपल टू आर डेस्टिनेशन सच एज योर वेबसाइट, ऐप और फेसबुक इवेंट, ठीक है? लिंक क्लिक्स, लैंडिंग पेज, मैसेज मैसेंजर या जहाँ व्हाट्सएप और सिंपल कॉल वाला बटन आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं, ठीक है? उसके बाद मैं कंटिन्यू करता हूँ। थोड़ा सा देखें यहाँ पे आपके सामने जो है वो इंटरफेस चेंज होगा, थोड़ा सा उसका यूआई यूजर इंटरफेस जो उसका थोड़ा सा काम करने का वे चेंज, लेकिन काम सारा वही है जो हम पहले देख चुके हैं, ठीक है? अब यहाँ पे आके ये थे, अब यहाँ पे आके क्या कह रहा है कि आप कंपेन का नेम लिखें। यहाँ पे मैं कोई भी अपना कंपेन का नेम जो मेरा दिल करेगा वो एंटर कर सकता हूँ। फिलहाल यहाँ पे मैं डेमो कर देता हूँ इसको, ठीक है? यहाँ पे मैं कर देता हूँ डेमो और नेक्स्ट मूव करते हैं। वो कह रहा है कैटेगरी के डिक्लेयर इफ योर एड्स आर रिलेटेड टू क्रेडिट, एम्प्लॉयज और हाउसिंग और अबाउट सोशल इश्यूज, ये सारा कुछ हमने वहाँ भी देखा था, ठीक है? अगर वो ऐसा कुछ है तो आप ये कैटेगरी में सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है? अदरवाइज आपको ज़रूरत नहीं है कि अगर आपका सोशल इशू या ये इलेक्शन या ये पॉलिटिक्स के हवाले से कोई काम नहीं है, आप हाउसिंग के हवाले से जो कोई भी प्रॉपर्टी वगैरह के हवाले से कोई का काम नहीं है, एम्प्लॉयमेंट अगर आप दे रहे हैं तो आप यहाँ पे कर सकते हैं। क्रेडिट एड फॉर क्रेडिट कार्ड ऑफर व्हीकल लॉन्ग व्हीकल, अगर आप ऐसा कुछ नहीं कर रहे तो आप जैसे इसको इग्नोर करें और नेक्स्ट मूव करें, ठीक है? यहाँ पे कंपेन है, बाइंग टाइप है, यहाँ पे ऑप्शन है, ठीक है? इसको आप चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे आगे आपकी ये ट्रैफिक है, ठीक है? कंपेन ऑब्जेक्टिव हमारा ट्रैफिक है मेनली, तो हम इसको ट्रैफिक ही रहने देते हैं, ठीक है? ओके, और यहाँ मैं आ जाता हूँ नीचे। ये सिंपल अगर हमने एक टेस्ट करना है तो फिलहाल हम टेस्ट भी कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं तो यहाँ पे सिंपल आगे अपना बजट एडवांटेज कंपेन बजट, एडवांटेज कंपेन बजट विल डिस्ट्रीब्यूट योर बजट अक्रॉस एंड एड सेट्स टू गेट मोर रिजल्ट डिपेंडिंग ऑन डिलीवरी ऑप्टिमाइजेशन चॉइसेस एंड बिड स्ट्रेटजी, यू कैन कंट्रोल स्पेंडिंग ऑन ईच एड सेट, ठीक है? मतलब यहाँ पे अगर आपने मल्टीपल एड लगानी तब आप यहाँ पे इसको सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन अभी फिलहाल मैं एक लगा रहा हूँ तो मैं जस्ट इसको बगैर सिलेक्ट किए ही नेक्स्ट कर देता हूँ, ठीक है? इसको भाई अभी हमें नहीं चाहिए कुछ भी, और ये यहाँ पे कन्वर्जन उसकी देख रहा है, उसको सेट कर रहा है, या मुझे कह रहा है व्हाट्सएप इज सेट एज अ डिफॉल्ट डेस्टिनेशन, ओके। मैं इसको कहता हूँ नहीं यार मुझे व्हाट्सएप नहीं चाहिए, मुझे मैसेंजर पे चाहिए, तो वो मेरा मैसेंजर चेक कर लेता है। कॉल चाहिए होंगी तो मैं यहाँ कॉल्स के ऊपर सेलेक्ट कर सकता हूँ, ऐप या व्हाट्सएप या मेरी वेबसाइट पर मुझे अपनी ट्रैफिक भेजनी है तो जहाँ भी मुझे ट्रैफिक भेजनी है मैं वो कर लूँगा, ठीक है? और इसके बाद फिर हमारे पास एक और चीज़ आ जाती है कि बजट, आप कितना डेली स्पेंड बजट जो हमारा है वो कितना मैं रखना चाह रहा हूँ, ठीक है? मैं उसको डेली के हवाले से मैं करना चाह रहा हूँ कि मेरे डेली जो है ना तकरीबन, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ कि 800, ठीक है, 800 मैं डेली का स्पेंड करना चाह रहा हूँ, ठीक है? लाइक ये अगर मैंने 800 किया तो 800 किया पर डे एंड नो मोर देन, तो यहाँ पे वो कह रहा है कि 5600 मुझे एक वीक के पड़ेंगे, ठीक है? तो स्टार्ट डेट ये कर दिया, एंड डेट अभी तक मैंने सेलेक्ट नहीं की, एंड डेट मैं क्या करना चाह रहा हूँ, यहाँ पे मैं आके अपना एंड डेट का भी कुछ भी सिलेक्ट कर लेता हूँ। वो मुझे पूछ रहे कि हाँ भाई 2 को तो हमने स्टार्ट करना है, तो मैं कहता हूँ बस ये 5 को एंड हो जाए, बहुत है हमारे लिए, ठीक है? कराची टाइम के लिहाज से हाँ रात को एंड हो जाए, ठीक है? अब ये मुझे क्या बता रहा है कि लाइक इसमें मोर ऑप्शन भी हैं, अब एड शेड्यूलिंग अगर मैं अभी नहीं करना चाह रहा मैं कब करना चाह रहा हूँ वो भी मैं देख सकता हूँ, तो मैं फिलहाल अभी ऐसा कुछ नहीं कर रहा, ठीक है? यहाँ पे मैं आता हूँ, यहाँ पे अब मैं अपनी ऑडियंस सेलेक्ट करूँगा। जी हाँ बिल्कुल वही वाली ऑडियंस जो हमने पहले देखी थी, वही वाली ऑडियंस हम यहाँ पे सेलेक्ट करने वाले हैं, यहाँ पे हम अपनी ऑडियंस बना भी सकते हैं, ठीक है? तो वही वाला काम है सिंपल, आपने पहले यहाँ पे एडिट पे आगे अपनी लोकेशन सेलेक्ट करनी है, फिर एज, फिर उसके बाद जेंडर, फिर उसके बाद डिटेल। अब डिटेल टारगेटिंग ऑडियंस जो हमारा लास्ट वाला सीन था ये वही है, आपने यहाँ सिंपल ब्राउज पे क्लिक कर देना, और ब्राउज के बाद आपने यहाँ पे आगे डेमोग्राफिक्स और फिर इसके बाद एजुकेशन, ये सारा कुछ ऐसे ही एक एक फील्ड को आपने फील्ड ऑफ स्टडी या स्कूल अंडर ग्रेजुएट जो भी आप कर लेंगे यहाँ पे एक को आप सेलेक्ट करेंगे,
ठीक है, और फिर इसके बाद आपके पास मजीद ऐसे ऑप्शंस ओपन होते जाएंगे, इनकम इनकम। अब यहाँ पे आपके एक एक को टिक करते जाएं, जैसे आप वहाँ टिक कर रहे थे सेम ये वाला सीन है, ठीक है। तो ऐसे बहुत लंबी हमारे पास यहाँ पे ये गेम बन जाएगी, और फिर इसके बाद आप आके यहाँ पे दिल करे तो आप अपना खुद भी यहाँ पे लिख सकते हैं, अगर आपको कोई भी इसके हवाले से याद हो। लाइक मैं बर्थडे लिखता हूँ, ठीक है, वो कह रहा है जिसकी बर्थडे जनवरी हो, दिसंबर में हो, ठीक है। तो फिलहाल अभी हमें चाहिए कौन कौन, ऐसे चाहिए हमें बर्थडे चाहिए जिसकी हो, जिसकी बर्थडे हो फरवरी में, ठीक है। और इस किस्म के आप मतलब खुद से सिलेक्ट भी कर सकते हैं कि अगर आपको कोई चीज़ याद आ रही हो आप सर। और फिर लैंग्वेज, यहाँ पे एक मेन चीज़ आ गई, यहाँ पे आप वो आपसे कह रहा है कि आपने लैंग्वेज कौन सी सिलेक्ट करनी है। लैंग्वेज वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इंग्लिश करें या कोई भी पर्टिकुलर अपनी लैंग्वेज, यहाँ पे सिलेक्ट कर लें। उसके बाद सेव दिस ऑडियंस करेंगे और ये आपकी ऑडियंस जो है वो सेव हो जाएगी, ठीक है, जस्ट लाइक ऐसे। ये देखें अभी हमने जो चीज़ें की हैं वही यहाँ पे हुआ है, और इसको मैं सिंपल सेव कर रहा हूँ। ऑडियंस नेम मैं साद अमजद यहाँ पे रख रहा हूँ, अदरवाइज आप वहाँ क्लिक करके अपना ऑडियंस का नेम चेंज कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे मुझे कह रहा है कि इसको करना है, अब मैं इसके अंदर भी मज़ीद एडिट भी कर सकता हूँ अगर मुझे कोई एडिट करना है कुछ। फिलहाल मैं आगे मूव करता हूँ, यहाँ पे मेरे पास एडवांटेज और मैनुअल प्लेसमेंट्स वगैरह भी हैं यहाँ पे, ठीक है। अगर मैंने ये करना है तो मैं ये कर लूँगा। शो मोर ऑप्शंस के अंदर मेरे पास ब्रांड्स की सेफ्टी वगैरह के हवाले से डिफरेंट किस्म की यहाँ पे चीज़ें हैं, कॉन्टेंट टाइप, एक्सक्लूजन है, ब्लॉक लिस्ट वगैरह, ठीक है। ये सारी चीज़ें हमारे पास वहाँ पर नहीं थी, ये हमें सिर्फ और सिर्फ यहाँ मेटा सूट में ही अवेलेबल है। इन्वेंटरी फिल्टर, ठीक है, कि लाइक अगर आप कोई ऐसी चीज़ बेच रहे हैं जिसके ऊपर आप क्लिक करना चाह रहे हैं तो वो ये सारा कुछ इन स्ट्रीम वीडियोज़ के अंदर सारा कुछ ही आपके पास यहाँ पे आ जाएगी, ये ठीक है। अब यहाँ ऑप्टिमाइजेशन फॉर एड डिलीवरी, ठीक है, इसके अंदर क्या है कि लिंक क्लिक्स या डेली यूनिक रीच या इंप्रेशन, आपको जो चीज़ चाहिए आप वो यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। अगर लिंक क्लिक का है तो फिर ये कह रहा है कॉस्ट पर रिजल्ट गोल, यहाँ पे आप अपना एंटर कर सकते हैं, ठीक है। अदरवाइज आप मोर ऑप्शन के ऊपर आएँ, यहाँ पे क्या कह रहा है, मेटा विल एम टू स्पेंड योर इंटायर बजट एंड गेट द मोस्ट लिंक क्लिक यूजिंग द हाईएस्ट वॉल्यूम बिड स्ट्रेटेजी इफ कीपिंग द एवरेज कॉस्ट पर रिजल्ट अराउंड अ सर्टेन अमाउंट इज इम्पोर्टेंट इंटर अ कॉस्ट पर रिजल्ट गोल, ठीक है। तो हम फिलहाल हमें भाई नहीं करना है ऐसा कुछ भी, ठीक है। वेन यू आर चार्ज, ठीक है, इंप्रेशन आएंगे तभी हम चार्ज होंगे। यहाँ फिर मैं इसके ऊपर क्लिक कर लेता हूँ कि लिंक पे, लेकिन अभी तक हमने लिंक वाला वो सीन नहीं किया हुआ तो हमें ये अलाउ नहीं कर रहा। डिलीवरी, ठीक है, डिलीवरी जो टाइप है वो स्टैंडर्ड ही है हमारे पास फिलहाल, ठीक है। ये सारा कुछ करने के बाद आपके पास ये देखें ये क्या बता रहा है कि जो मैंने पेमेंट सेलेक्ट की है उसकी फिलहाल वो 2.9K टू 8.4K तक पहुंचा रहा है, और लिंक मेरे कितने होंगे, लिंक क्लिक से 137 टू 395 लिंक्स जो हो सकते हैं मेरे, ये उसने हमें वो दे दी। अब ये ऐसा क्यों दिया, क्योंकि यह लोकेशन पाकिस्तान सेलेक्ट है, पाकिस्तान बहुत लंबी लोकेशन है। अगर मैं इसी को यहाँ पे मुल्तान कर दूँ खाली, ठीक है, यहाँ पे आके मैं पूरे पाकिस्तान के बजाय, ठीक है, यहाँ पे मैं इसको मुल्तान कर दूँ, ठीक है, ओनली इंक्लूड सिटीज कर दूँ, ठीक है, सिटीज यहाँ पे देखें, यहाँ डिफरेंट किस्म की वो कह रहा है कि इंक्लूड सिटीज़ विद द फॉलोइंग पॉपुलेशन साइजेस, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर सकता हूँ, वो यहाँ पे मेरे पास उसने हंड वो दे दे दी हैं इतनी सारी सिटीज़, ठीक है, तो 1000, ठीक है, 1000, ठीक है, लेकिन यहाँ पे 2-3 मिलियन उसने कहा है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे बैक आता हूँ, यहाँ पे सिटीज़ मैं करता हूँ लाइक, अगर मैं पाकिस्तान हटा देता हूँ, बल्कि फ़िलहाल ना मैं यहाँ पे आके सिंपल अपना क्या एंटर करता हूँ, मुल्तान, ठीक है, मुल्तान पंजाब पाकिस्तान, बस मुझे यही चाहिए था, ठीक हो गया। और मैं इसको अपडेट कर रहा हूँ, ठीक है, सेव होगी मेरी ऑडियंस, और अब ये मेरा एस्टिमेट रिजल्ट ये देखें अभी एकदम लाइन बढ़ गई है, ठीक है। तो ये ऐसे है कि वो हमें टोटल हमारा वो बता रहा था कि पूरे पाकिस्तान में तो बता रहा था, अब ये पूरे मुल्तान में से हमारा सिर्फ और सिर्फ हमारी टारगेट कर रहा है। तो आप एक एरिया, एक पर्टिकुलर एरिया, या फिर आप एक पूरा जो है पूरा मुल्क, हर चीज़ आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं, और यहाँ पे फिर आप नेक्स्ट करें, बाकी सारी सारी
सेम वही होंगी। अब यहाँ पे वो आके क्या कह रहा है कि ब्रांडेड कंटेंट, ठीक है, फेसबुक पेज अब मैं सिलेक्ट करूँगा। अभी कौन से फेसबुक पेज के ऊपर मैंने ये काम करना है, तो मैं आगे यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ। फिलहाल मैं इसको कोई भी जो मेरा पेज है मैं डाल देता हूँ, ठीक है, फिलहाल ये वाला डाल देता हूँ, ठीक है। अब फिर इंस्टाग्राम का क्या, अगर मैंने कनेक्ट वगैरह करना, क्रिएट करना कोई भी, मैं यहाँ पे साथ ही अगर मैं फॉर एग्जांपल दूसरा मैं पेज डालूँ तो वहाँ से मेरा पेज कनेक्ट है, मैं वह यहाँ पे इंस्टाग्राम वाला कर दूंगा। तो मेरा क्या काम होगा कि फेसबुक पे तो ऐड चलेगी चलेगी, साथ में मेरी इंस्टाग्राम के ऊपर भी चलेगी, ठीक है। फिर एड सेटअप है, क्रिएट एड है कि मैनुअल अपलोड हो रही है हर चीज़, ठीक है। यहाँ पे फॉर्मेट है, सिंगल इमेज और वीडियो होगी। फिलहाल कर्सर वो क्राउजर हम नहीं डाल रहे, मतलब मोर देन 2 to 3 आप ये कर सकते हैं, ठीक है। बहुत आसान सा आपके पास वे है कि वो आप सिर्फ आपके पास क्या करना है कि जब आपके पास पिक्चर्स आ जाएंगी तो आपने उसको ड्रैग करना है राइट टू लेफ्ट, तो वो वहाँ पे 1 से 2 या 3 वीडियोज या जो इमेजेस होंगी वो स्क्रॉल डाउन हो जाए, स्क्रॉल डाउन कह रहा हूँ, स्क्रॉल लेफ्ट हो जाएगी, ठीक है। तो इस पे मैं फिलहाल यही रखता हूँ सिंगल अभी तक, ठीक है। और फिर नीचे आता हूँ मैं, यहाँ पे मीडिया वगैरह ऐड कर सकता हूँ, हेडलाइन ऐड कर सकता हूँ, वीडियो वगैरह मैंने ऐड करनी है कोई, उसकी डिस्क्रिप्शन डाल सकता हूँ। फिर उसके बाद मैसेज हमने सेलेक्ट किया हुआ है कि हम मैसेज क्या करेंगे। फिर उसके बाद लाइक यहाँ व्हाट्सएप वगैरह भी मैं सेलेक्ट कर सकता हूँ ना, ठीक है। यहाँ पे अप्लाई नाउ का बटन भी आ सकता है, बुक नाउ का, कॉन्टेक्ट अस का, ये सारा कुछ, ठीक है। तो मुझे फिलहाल मैसेज चाहिए उनके, तो मैं मैसेज वगैरह कर सकता हूँ, ठीक है। यहाँ पे यू क्रिएट न्यू कह रहा है कि स्टार्ट कन्वर्सेशन, अब वो प्रीव्यू कह रहा है कि आप मैसेंजर में देख लो कि मैसेंजर पे कैसे आपको शो होगी कन्वर्सेशन, ठीक है। तो मैंने प्रीव्यू कर लिया, फिलहाल हमने कोई सेटिंग नहीं की हुई तो मुझे ऐसे शो कर रहा है, ठीक है। वहाँ क्या आएगा, जैसे कोई भी हाय, और यहाँ पे उसका नाम आएगा, प्लीज लेट अस नो हाउ कैन वी हेल्प यू, और ये फ्रीक्वेंटली आस्क क्वेश्चन है, ये वही क्वेश्चन है जो हमने वहाँ पे सिलेक्ट किए थे। लाइक इनके क्वेश्चन भी हम सिलेक्ट यहाँ पे लिखेंगे, उन क्वेश्चन के जो आंसर बनते होंगे वो भी हम लिखेंगे, उनमें से जो भी वो कोई सिलेक्ट करेगा एक क्वेश्चन, उसको ऑटोमेटिकली वो आंसर डिलीवर हो जाएगा बाय फेसबुक, ठीक है। तो फिलहाल वही चीज़ है, मैं इसको स्किप कर रहा हूँ, ठीक है। फिर उसके बाद आगे आते हैं तो हमारे पास वेबसाइट इवेंट्स वगैरह के हवाले से आप यहाँ पे कुछ भी सेटअप कर सकते हैं, ऐप इवेंट के हवाले से कुछ भी सेटअप कर सकते हैं, यूआरएल वगैरह आप यहाँ पे अपने कोई आपका कोई इवेंट आसपास हो रहा है तो आप उसका यहाँ पे कर सकते हैं, उसके बाद पब्लिश करते हैं सिंपल, और आपका ये काम हो जाएगा। हाँ, एक चीज़ का मसला करेगा, वो होगा वो आपके आपने ऐड के लिए अपनी पेमेंट वगैरह कहाँ से करनी है, तो उसके लिए सिंपल, हम जब स्टार्ट में आए थे तो आपने देखा था ये वहाँ पेमेंट का मसला कर रहा था, ठीक है। तो आपको वो यहाँ से आके अपनी सिंपल पेमेंट वगैरह ऐड करनी पड़ेगी, ठीक है। वन पेमेंट, ओपन पेमेंट सेटिंग, ठीक है, और यहाँ पे आके आपको अपनी कार्ड वगैरह सारा कुछ जो है वो ऐड करना पड़ेगा, देन जाके आप अपनी जो पेमेंट वगैरह है वो कर पाएंगे। ये देख रहे हैं आप, इस पे आके आपके पास ये कार्ड का ऑप्शन आ गया, वही सेम चीज़ है जो हमने वहाँ देखी थी, लेकिन यहाँ पे डिफरेंट वे से है। तो मैं आपको ये दिखाने का दिखा रहा हूँ कि आपको समझ आ जाए कि यहाँ पे कैसे काम होगा, ठीक है। और अब मैं इसके होम पेज पे आ गया, तो ये होम पेज ये देखें आपको ऐसे नजर आएगा, ये मेरे पेज का होम पेज ओपन है, ठीक है। मेरी आईडी का नहीं है, तो यहाँ पे आपको देख रहे हैं कि वो लोगो दिखा रहा है, साथ में इंस्टाग्राम का जो कनेक्ट है इसके साथ उसका लोगो भी दिखा रहा है, और ये उसकी जो कवर फोटो है वो दिखा रहा है, साथ में डिफरेंट किस्म की चीज़ें हैं वो यहाँ पे वो चीज़ दिखा रहा है कि आपकी ऑडियंस कितनी है, रीच वगैरह आजकल कितनी हो रही है, सारा कुछ, ठीक है। उसके बाद जो कमेंट्स वगैरह आ रहे हैं वो सारे के सारे यहाँ पे दिखा रहे हैं मुझे, और पीपल वगैरह जो कनेक्शन में हैं, फिर उसके बाद जो मेरी पोस्ट वगैरह जा रही हैं, स्टोरी जा रही हैं, ये प्लानर है, यहाँ पे मैं अपनी कोई भी पोस्ट यहाँ पे डाल सकता हूँ कि लाइक मैंने इस उसको मैंने ये वाली पोस्ट करनी है, शेड्यूल भी कर सकता हूँ, और यहाँ पे मैं देख सकता हूँ कि मैंने किस उसको कौन सी पोस्ट यहाँ पे अपलोड की थी, सिंपल, ठीक है। और यहाँ पे सारा काम है, यहाँ पे क्रिएट ऐड करना हो, मैं फ़ौरन एक क्लिक करूँगा, यहाँ से दोनों की ऐड क्रिएट हो जाएगी, ठीक है। और यहाँ पे मेरे पास वो मुझे दिखा रहा है कि आप ऐसी वीडियोस, ऐसी इमेजेस बनाएं, ऐसा अपना जो पेज है उसको ऐसे डिज़ाइन करें, ये मुझे सिंपल अपनी सजेशन दे रहा है। अब इसके बाद मैं आ जाता हूँ यहाँ नोटिफिकेशन के अंदर, यहाँ पे वही नोटिफिकेशन जो आपको फेसबुक पे आ रहे हैं वही यहाँ पे सारे शो होंगे, ठीक है।
और फिर इसके बाद प्लानर है, ये वही चीज़ है जो भी मैंने आपको दिखाई थी प्लानर, ये भी यहाँ पे बस उसका ये है कि वो पूरा ओपन हो गया है। ये देखें, ये मैं शेड्यूल कर सकता हूँ हर चीज़, ठीक है। और उसके बाद कंटेंट, जितना भी मेरा कंटेंट होगा सारा का सारा मुझे यहाँ पे शो हो रहा होगा जो मेरा पब्लिश्ड है, ठीक है। जो मैंने पोस्ट, वीडियोस, इमेजेस कुछ भी मैंने यहाँ पे अपलोड की हुई, सारी की सारी मुझे यहाँ पे वो शो हो रही हैं। और वो मुझे यहाँ पे ऑप्शन देगा कि मैं इसको वो कर सकता हूँ, बूस्ट वगैरह भी कर सकता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे मुझे हर चीज़ के बारे में बता रहा है कि वो कब पब्लिश हुआ, उसका स्टेटस क्या है, उसकी जो मिनट्स व्यूड वगैरह हैं वो क्या हैं सारे के सारे, ठीक है। और ये हमारे पास टैब बैक हो गया, यहाँ पे आके सारी की सारी ये दिखा रहा है। और मैं अगर इसको आपको दिखाऊं, ये देखें 3 सेकंड वीडियो व्यूज, 1 मिनट वीडियो व्यूज, एवरेज मिनट व्यूज, रिटर्निंग व्यूअर्स कितने हैं, ठीक है, इंप्रेशन, रीच, प्लेज, ए टू जी आपको सारी की सारी इंफॉर्मेशन यहाँ प्रोवाइड की जा रही है। रिएक्शन, लाइक, कमेंट, शेयर, लाइक एंड रिजेक्शन, लिंक, क्लिक्स वगैरह हर चीज़ आपको यहाँ पे शो की जा रही है, ठीक है। और ये पोस्ट और रील्स की हैं, स्टोरीज के हवाले से वो भी आपको यहाँ पे मुकम्मल शो करेगा, वो भी आप शेड्यूल कर सकते हैं, ये टेस्ट के भी आप कर सकते हैं। फिर उसके बाद फीड एंड ग्रिड है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे भी यही चीज़ें सारी की सारी आपको यहाँ पे शो होंगी, ठीक है, कि हमारी न्यूज़ फीड कैसी नज़र आ रही है। ओके, तो इसके बाद मेंशन एंड टैग्स हैं, जो आपको कभी भी किसी ने मेंशन किया होगा, टैग किया होगा आपके पेज को, तो वो सारा कुछ यहाँ पे देखें। जैसे ये एक मेरी स्टूडेंट है, तो उसने यहाँ पे मुझे मेरे इस पेज को टैग किया हुआ, तो वो यहाँ पे आ रही है, ठीक है। अब इसके बाद इनसाइट्स, इनसाइट्स में आपके पेज के टोटल जितनी भी इनसाइट्स होंगी वो सारी की सारी यहाँ पे शो करेगा, कि लाइक वो उसको कितने लाइक्स आए, क्या बन रहा है, आपका पेज कैसा जा रहा है, ठीक है। ये देखें, ये कैसा ये सारा सीन हुआ हुआ है, ठीक है। कुछ टाइम से मैंने भी यहाँ कुछ, जैसे वहाँ या यूट्यूब पे अपलोड नहीं कर रहा, तो यहाँ फेसबुक पे भी नहीं कर रहा था, तो इस वजह से ये ऐसा सीन हुआ हुआ है, ठीक है। तो बहरहाल ये सारा कुछ आपको यहाँ पे ग्राफ की फॉर्म में यहाँ पे हर चीज़ अपलोड कर देगा, रिजल्ट्स वगैरह भी आएंगे यहाँ पे, ऑडियंस, आपकी फीडबैक्स, ठीक है। जब आपको फीडबैक हुई आएगा, बेंच मार्किंग वगैरह भी हवाले से होगा यहाँ पे, ओवरव्यू आपको मिल रहा होगा, आपके कॉन्टेंट के हवाले से आपको बता रहा होगा, ठीक है। फिर उसके बाद फिर से मैसेजिंग का ओवरव्यू है, ठीक है, शो लेटर। और इसके बाद फिर आपको यहाँ पे परफॉर्मेंस वगैरह आपके पेज की टोटल शो करेगा यहाँ पे, कि आप देख सकते हैं कि आपका पेज कितना अच्छा जा रहा है, या आपके पेज के ऊपर क्या काम हो रहा है, ठीक है। देखें, एक एक चीज़ उसने आपको यहाँ पे शो कर दी है। तो अगर आपका कोई क्लाइंट वगैरह है, आपने उसको शो करना है, तो आप बहुत आसानी से शो कर सकते हैं। फिर उसके बाद इनबॉक्स, यहाँ पे सारे का सारा जो है आपके पास जो इनबॉक्स है, उसके अंदर आपकी जितने भी किसी से चैट वगैरह हुई भी है वो आ सकती है। फिर आप ये देखें, जैसे हमने वहाँ देखा था कि आप लेबल कर सकते हैं, यहाँ पे आप किसी भी चैट को कोई भी लेबल वगैरह कर सकते हैं, ठीक है। और लाइक कोई न्यू कस्टमर है, कोई इम्पोर्टेंट बात कर दी, कोई कुछ, और उसकी देखें साथ में प्रोफाइल भी आपको उसकी डिटेल वगैरह यहाँ पे शो हो रही है, ठीक है। और एड्स, ये वही चीज़ ओपन हो जाएगी जो भी हम देखी हुई थी, जहाँ पे हम अपनी एड्स वगैरह लगा रहे थे, यहाँ पे स्टार्ट कर सकते हैं हम, गेट स्टार्टेड, ये एड समरी है, और यहाँ पे ये ऑल एड्स आ जाएंगी हमारे पास, ठीक, क्रिएट एड हम कर सकते हैं। और वही वाला सारा सीन जो आपको मैं दिखा दूँ एक दफ़ा, कि जैसे वहाँ पे हमारा स्टार्ट हो रहा था, यहाँ भी स्टार्ट हो जाएगा, कि आपने गेट मोर मैसेज लेने हैं, लीड लेनी है, इंस्टाग्राम की पोस्ट बूस्ट करनी है, जो भी आपने यहाँ पे सिंपल एक पोस्ट बूस्ट करनी है या अपना पेज प्रमोट करना है, तो आप जैसे क्लिक करेंगे आगे सारा सिनेरियो वही है जैसे हम अपनी एड लगा रहे थे, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पे ऑल टूल्स हैं, ऑल टूल्स के अंदर यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें आपको शो हो जाएंगी, ठीक है। लेकिन घबराना नहीं, हम एक एक करके इसको डिस्कस करेंगे, लेकिन आई नो वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई है, तो इस हवाले से मैं अभी फ़िलहाल यहाँ तक ही ये रखता हूँ। कल फिर हम आके देखेंगे कि हम इसके अंदर हमारे पास मज़ीद कौन कौन सी चीज़ें हैं, उनको कैसे कैसे हमने सेट करना है, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए फिर अल्लाह हाफिज़। और हाँ, अगर आप इस चैनल पे नए हैं और आपको
वीडियो पसंद आ गई है, आप कोर्स करना चाह रहे हैं, डिजिटल मार्केटिंग प्रॉपर सीखना चाह रहे हैं, तो आप हमारी प्लेलिस्ट को सेव कर सकते हैं और इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब और सब कुछ कर सकते हैं, वो तो आपको पता ही है। ठीक है, तो अब वीडियो इधर ही एंड करते हैं, नेक्स्ट फिर हम यहीं से आगे मूव करेंगे जो नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करूंगा। ठीक है, तो तब तक के लिए आप फिलहाल इसी चीज़ की प्रैक्टिस करें, घबराना नहीं है आपने। ठीक है, और सबसे बड़ी बात यह है कि आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो ये चीज़ें आपको भूल जाएंगी और फिर आप बार बार आपको वीडियो ओपन करके देखनी पड़ेगी। ठीक है, वेल वो भी देखते रहें, लेकिन प्रैक्टिस लाजमी है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।